अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग अचानक में रेडियो के कहाँ जा रहे हैं, अचानक में नहीं, ये हमारा प्लान था पहले से ही कि हम जाएंगे बासीद में, पूरी फैमिली हम लोग जाने वाले हैं ढाबा। आप देख सकते हो, पहचाना सोनिया पंजाबी। तो इंशाल्लाह आगे जो जो हो रहा है, क्या क्या होने वाला है, और आज कुछ चीज बताने वाले हैं हम लोग, तो बने रहिए, देखते रहिए पूरा वीडियो, और हाँ सब्सक्राइब कर लो। सकते हो, यहाँ पर पूरी टीम बाइक पे रेडी है, आधे जन सब गाड़ी पे गए, तो हम लोग ने सोचा हम लोग सब बाइक पे ही जाएंगे, तो मजा आ जाएगी अभी। और ये रही हमारी गुलनार किचन, और ये देखो पीछे जन्नत और रजा आ गए, तो चलो आगे चलते हैं। उन लोग किधर, एक चलो चलो मिलते आगे। तो फाइनली सब पहुंच गए, देख सकते हो यहाँ पर। ए तुम लोग पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? साया ढाबा पहुंचे। तो मैं किधर आया हूँ? भाई जा एक टेबल के लिए फटाफट बोल दो। तो देख सकते हो यहाँ पर है। ए आशो आशो इधर 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 यहाँ पैक करो। समांटी लोग कहाँ है? समांटी लोग तो अंदर उधर ही गए ले हैं, वो लोग तो अपने से पहले आए ले। पहले आ गए क्या? हाँ। और ये देख सकते हैं सबकी फटाफट बाइक पे एंट्री हो रही है सब। ये आ गए एक, ये अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम किधर है, कहाँ जाए उन लोग, कहाँ गए? तो वो पार्किंग के लिए आगे चले गए। फाइनली सब यहाँ पर जमा हो चुके हैं, देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ रास्ता बहुत है ना भाई, साइड में जाते हैं। तुम लोग बैठा, हम लोग गेम जोन जाके आते हैं, तुम लोग बैठा, हम लोग गेम जोन जाके आते हैं। तू नहीं आ रही? हाँ तो चाय यहाँ मंगा रही है। तो देख सकते हो आप यहाँ पर सब बासीद बनाने के लिए आए हुए हैं, सब अपनी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, हम भी अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं,
और जैसे ही हमारे लिए ये टेबल अरेंज हो जाएगा, हमारे कॉल आएगा और इंशाल्लाह हम कॉल जैसा आएगा हम खाना खाने के लिए चले जाएंगे और तभी आपको बताते रहेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी तो फिलहाल सब यहीं जमा है और देखते क्या आएगा। और ये देखो 360 वीडियो बनाने का, लेकिन नहीं बनाएंगे हम, अपनी वीडियो नहीं बनाएंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर सब फोटो सेशन हो रहा था इन लोगों का सबका। ऑलमोस्ट एक घंटा हो गया है क्या? एक घंटा हो गया है ना? एक घंटा हो गया ना आगे? एक घंटा हो गया, अभी तक नंबर नहीं आया। हे गुलनार, जा बच्चा कुछ बना के ला किचन में जाके। क्या बनाऊं भाई? तू किचन वाली है, चिकन बना के ले गया। तो देख सकते हो यहाँ पर फुल मस्ती धमाल चालू है। क्या हो क्या रहा है? लेकिन हो क्या रहा है? अरे वो बोले आंटी, वो बोले डिस्टर्ब हो रहा बाजू वाले को। बोले नहीं होगा, हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, यहाँ गदेला डाल रहा है ना। पब्लिक ज्यादा होने की वजह से अंदर जगह सेट नहीं हुई, तो हम लोगों ने लोग से रिक्वेस्ट किया है कि हम लोगों को यहाँ पर किधर सेट कराए ताकि हम लोग आराम से बैठ सके। तो देखते हैं और क्या होता है। 10-15 मिनट लगेगा एक बिलिंग के बाद ही हम लोगों का यहाँ पर होगा बैठना, क्योंकि यहाँ पर कम्प्लीटली पैक हो ही नहीं रहा है। तो फाइनली हम लोगों को बड़ा टेबल मिल चुका है, क्योंकि हमारा दस्तरखान था लेकिन दस्तरखान में हम लोग सेट नहीं हो पाए, फिट नहीं हो पाए सब लोग। तो यहाँ पर हम लोगों ने बाहर ही बोले कि भाई हमारे को एक और एक्स्ट्रा टेबल ला के दो, यहाँ पर दो ही है, एक और एक्स्ट्रा टेबल आएगा इंशाल्लाह और वहाँ पर हम लोगों को फिर कम्प्लीटली लोग बैठ जाएगा इंशाल्लाह। अब कैसा सेट कर रहे सब देखो, कैसे बोल बोल के रहे। देखो कैसा चल रहा है इधर। और साहिस्ता भी बैठी हुई देखो यहाँ पर। एक टेबल लग चुका हुआ है। ए दाज बेटा ऑर्डर दे दे। क्या बोल दी पब्लिक, ताजू यहाँ पर आ जा। तो फाइनली टीपू भी आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर आप। इन लोग अभी आए हैं, बच्चे इन लोग के साथ आए हुए हैं कि भाई बच्चे सबको लेकर आया हुआ। वो तो
अच्छा तो टीपू निकला, मतलब आराम से आया, मस्त टेंशन यहाँ पर हम लोग को इंतजार करना पड़ा, लेकिन टीपू मस्त टाइम पे आया, बराबर टाइम पे है ना साइसा, क्या बोलती है तुम? क्या बोलती तुम अन्ना? एकदम सही। टाइगर 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 काम काम अली बाबले गायवा गाव बच्चे को अली बाबले ऐसा ऐसा ओए राबिया अच्छा करती है, राबिया सही करती है, इमोजी कहाँ ढूंढ ढूंढ के डालते बैठू में, नकाब ही ले लेती है। चलो हम सबका खाना हो चुका है, देखो हम लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं आराम से, और यहाँ पर आने का जो मकसद था, जो चीज़ के लिए हम लोग यहाँ आए थे, ये देखो ताज भी यहाँ पर। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ जो चीज़ के हम लोग आए थे और वो चीज़ रिवील करने वाले थे, तो रिवील करने वाले थे हम लोग वो चीज़ को, ये देखो किचन को, चिकन को। तो हम लोग तो चलो ठीक है, अभी मैं अपने मुँह से नहीं, तुम लोग ही बता दो कि क्या रिवील करना चाहिए। ठीक है, करना था कि ये हमारी भाभी है। तेरी भाभी कहाँ से है? तो फाइनली शाइस्ता और मैंने शादी कर लिया है, और माशाल्लाह शाइस्ता कुछ बोलना चाहिए, बोलिए आपका पूरा नाम के साथ आप बताइए। शाइस्ता हारून कुरैशी। तो ये था हमारा आज का जिब्राइल कुरैशी, मोहम्मद जिब्राइल कुरैशी, देख सकते हो। तो चलिए माशाल्लाह मैं फ्रंट कैमरे पे आ जाता हूँ। चलो फाइनली मैंने आप लोगों को रिव्यू करवा दिया कि हम दोनों ने निकाह कर लिया है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान से, और अल्लाह जो करता है बेहतर अच्छे के लिए करता है, और मैं इसी चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि अल्लाह जो भी मुकद्दर में लिखा होता है या जो भी चीज़ अल्लाह मेरे साथ करता है वो बेहतर करता है। लाइट चले गई है लेकिन फिर भी मेरी बकवास बंद, मतलब मेरी बातें बंद नहीं होगी आप लोगों से। तो चलिए ये ब्लॉग में तो ये ब्लॉग यहीं ख़त्म कर दिया जाए। हाँ ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करें, तो चलो ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने भाईजान के बच्चों को और अपने भाईजान को दुआ में याद रखना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।